हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप जीडी ट्रेड से भर्ती होते हो तो आपका क्या क्या फायदा है। फायदे से कहने का मतलब है कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे आप इंडियन आर्मी के जितने भी प्रमोशंस हैं ना वो आप आसानी से ले सको। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो ताकि हम लोग और भी अच्छा काम कर सकें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा काम करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप जीडी से भर्ती होते हो तो आप कहीं भी जा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप किलर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एनएसजी कमांडो के लिए जा सकते हो, आप पैरा कमांडो के लिए जा सकते हो और जितनी भी आउट पोस्टिंग है वहाँ जा सकते हो, आप आरआर जा सकते हो। तो सबसे पहला मौका ये है कि आपको मौका मिल जाता है, आप कहीं भी जा सकते हो, आपके लिए हजारों रास्ते खुले हुए हैं। बट ऐसा ट्रेडमैन में इतना उसमें भी रास्ते खुले हैं बट ज़्यादा हद तक रास्ते नहीं हैं। तो सबसे पहला जीडी का ये फ़ायदा है। और अगर दोस्तों, अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो एक जीडी एक ऐसी ट्रेड है जो कि पूरा प्रमोशन लेती है। ठीक है, अगर आपके पास कोर्सेस हैं, अच्छे अपने कोर्स कर रखे हैं और अच्छी अच्छी पोस्टिंग काट रखी हैं जहाँ के स्पेशल पॉइंट मिलते हैं, तो आप सूबेदार मेजर तक बन सकते हो। हाँ दोस्तों, आप सूबेदार मेजर तक बन सकते हो, बट ट्रेडमैन में एक लिमिटेड प्रमोशन है। आप हवलदार से ज़्यादा ऊपर तक प्रमोशन नहीं ले सकते। हाँ, आप जेसीओज का सैलरी ले सकते हो बट प्रमोशन नहीं ले सकते ज़्यादा, हवलदार तक प्रमोशन है। तो सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों ये है। दोस्तों, अगर मैं तीसरा बेनिफिट बोलूं तो मैं ये कहूं कि आप स्क्रीन में जितने बैचेस दिख रहे हैं ना, हर बंदा चाहता है कि आर्मी में जाके उसकी ड्रेस इस सुनहरे बैचों से भर जाए। तो अगर आप जीडी से जाओगे तो ये आप बैच एक्वायर कर सकते हो। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोर्सेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप भी ये बैच लगा सकते हो। और अगर मैं चौथा बेनिफिट की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि जीडी का जो बंदा होता है उसको मौके बहुत मिलते हैं, जितनी भी आउट पोस्टिंग्स होती हैं, और वहाँ के एक स्पेशल अलाउंस भी होता है। अलाउंस से मैं कहने का मतलब है एक्स्ट्रा रुपए। जो मेन सैलरी होती है वो तो होती है, बट कुछ जगह है वहाँ का एक स्पेशल अलाउंस होता है, एक स्पेशल रुपए मिलते हैं, एक्स्ट्रा रुपए मिलता है, एक ये भी बेनिफिट है। ठीक है, और जीडी का बंदा होता है जो कि अगर वॉर लड़ाई कुछ भी होता है तो वो सबसे आगे रहते हैं, सबसे पहले लड़ते हैं, वो होते हैं जीडी के बंदे। तो एक एडवेंचरस, मैं कहूँगा एक एडवेंचर काफ़ी मिलता है आपको। ठीक है, आप पहाड़ी एरिया में जा रहे हो, आप पेट्रोलिंग कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आपके हाथ में राइफल है और काफ़ी इन्जॉय मिलता है, काफ़ी मज़े आते हैं। तो वो जो मोमेंट आप इन्जॉय करना चाहते हो ना, तो मैं कहूँगा जीडी द बेस्ट, वो सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 से 4 मिनट की वीडियो में आपको कुछ पता पड़ा होगा कि हाँ क्या चीज़ बढ़िया है क्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बना पाऊँ और मैं काफ़ी मोटिवेट हो पाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लेना, हमें इस चैनल को ग्रो करना है ताकि और भी अच्छा अच्छा आपको कंटेंट मैं लाता रहूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।